हेलो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो सभी लोग? आई होप सही होंगे। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गेम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने कई गुफा में अपने माइनिंग की थी, वहां से हमको मिले थे थोड़े बहुत डायमंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं ट्रेजर हंटिंग करने, बहुत ही अच्छा ट्रेजर का ढूंढने। जैसे कि आपकी वीडियो को शुरू में देख लिया होगा, मेरे पास एक मैप पड़ा हुआ है और मैं दिखाने वाला हूँ कि मैप अब मैंने कहाँ से ढूंढा था। उससे पहले देखिए मेरा, देखिए आपको मैप दिख रहा है, मैंने आर्मर अपना बना ही लिया है ताकि कोई भी आए लड़ाई करने तो हम उसको चीट चाट डालें पूरी तरीके से, अरे लड़ाई में हमसे कोई हरा ना पाए। शॉर्ट रखी हुई है गाइस। हम एक बात बता दूं आपको, एक ट्रिक्स है, ट्रिप्स है, जो भी आप समझो, जब भी आप कहीं पर किसी और आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर निकले तो एक अपना लैंडमार्क बनाते हुए चले। जैसे कि मैं इस आइलैंड को लीव कर रहा हूँ तो दूसरे आइलैंड पर जा रहा हूँ तो सिर्फ एकदम सीधे मैं ट्रैवल करूँगा, कहीं टेढ़ा नहीं करूँगा। तो इसलिए ही रहेगा मेरा मैप। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर हल्का सा दिख गया होगा, कहीं आपको दूर से कुछ नजर आ रहा है। तो गाइज जी हाँ, वही शिप है गाइज। मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आया था लेकिन ये क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल ही वही शिप है जो कि डूब चुकी है या खराब हो चुकी है। गाइस इस शिप में मेरे को दो चेस्ट मिले हैं, एक चेस्ट इस वीडियो में दिखाया और एक चेस्ट मैंने बाद में ढूंढा था। मैं वीडियो जब खत्म हो गई थी तो मैं एक बार और फिर इस आइलैंड पे आया था तो मैंने देखा तो वहां से मेरे को खूब सारे गोल्ड के इंगट मिले थे, गोल्ड बहुत सारे मिले थे। एक पता नहीं और वाटर शी क्या होता है, मेरे को कुछ पता नहीं, आपको अगर कमेंट में पता हो तो बताइएगा। अभी मैं बताऊंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये एक ये रास्ता ऊपर की ओर गया है शिप का, तो मैं इसके यहाँ पे मैंने नहीं गया था क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे खजाना नहीं रखा था, यहाँ पे खजाने का मैप रखा हुआ था ये वाले चेस्ट में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला चेस्ट खोल दिया मैंने तो ये निकला यहाँ पे से मुझे एक ट्रेजर का मैप, और यहाँ से कुछ मिले मुझे पेपर और तीन तो फेदर मिले हैं गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने मैप को अपने पास बिल रख लेते हैं, देखते हैं मैप को मेरे खजाना है कहाँ पे। जल्दी से मैं बेताब हो रहा, अभी तक मैंने तो मैप खाली देखा था, खजाना को मैंने निकाला भी नहीं था। तो खजाना जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, यानी कि अभी हम थोड़ी सी दूरी पे हैं नक्शे के, मतलब कि ट्रेजर के, ये इस आइलैंड को दिखा रहा है। तो इस आइलैंड पर लग रहा है चलना चाहिए हम लोग को। तो क्या लगता है गाइस, हम लोग को आज खजाना मिलेगा कि नहीं? थंबनेल देख के तो लग ही रहा होगा, लेकिन थंबनेल झूठ भी हो सकता है भाई, आजकल क्लिकबेट का जमाना है, चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं क्लिकबेट नहीं करता गाइस, आपको तो पता ही है। आपका भाई बिल्कुल शरीफ आदमी है, जो देता है प्योर देता है। तो यहाँ ही कहीं आपका डायमंड कहीं नजर आ रहा है, ट्रेजर कहीं नजर आ रहा है, ट्रेजर तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो रास्ता भी खत्म हो गया है, यहाँ तो पिगी भी अपने मजे ले रहे हैं, उछल रहे हैं खूब। मेरे को लग रहा है गाइस कि कहीं जमीन के अंदर तो नहीं है, आपको क्या लगता है? आपको लगा है तो तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता दीजिएगा, यस नो, हाँ लगता है, नहीं लगता, कुछ भी बताइएगा ज़रूर, मैं देखने के लिए तैयार हूँ कौन पहले बताता है। तो मैं चालू करता हूँ, सोच रहा खुदाई चालू कर देता हूँ। यहाँ पे जेसीबी तो नहीं है लेकिन अपने पास शावल पड़ा हुआ है, तो शावल से फटाफट से खोद लेते हैं तेजी से, क्या पता ज़मीन के अंदर ही हो सकता है, मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं मुझे क्या, मेरे को खोदना चाहिए ना पहले मेरे को, क्योंकि कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, ऐसे कौन कहता है ब्रो। चलो मजाक को मजाक के तरीके लिए करो, बातें बात क्यों, इस पे ध्यान दो। मैं तो मैप पे खड़ा हूँ एकदम, मतलब सेंटर में खड़ा हूँ, बिल्कुल यहीं पे लग रहा है कहीं खजाना दबा हुआ है। अगर खजाना होगा तो मजा आएगा, देखेंगे उसके अंदर मिलता क्या क्या है। जमीन तो आ गई गाइस, प्लीज एक और चेस्ट भी मिल जाए, खजाना तो चेस्ट में दबा रहता है, लग रहा आज की डेट में मेरे को नहीं मिलेगा यार, मिल जाए प्लीज भाई, यहाँ पे नहीं। ओ भाई साहब गाइस, लग रहा है यही खजाना है, देख ले आसपास कुछ और भी तो नहीं है, कुछ और भी होगा तो मजा आ जाएगा, एक आध और मिल जाए, यही है खजाना लग रहा है। ओ भाई साहब डायमंड मिल गया मेरे को, डायमंड मिला, गोल्ड का आपको इंगेट मिल गया। और गाइस हाँ, ये क्या चीज है, हार्ट ऑफ द सी, ये मेरे को कमेंट करके बताइएगा इसका यूजेस क्या है, मेरे को मालूम नहीं है, अगर आपको पता तो जरूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ चेन्स के चेन्स प्लेट मिली है आर्मर की, और हेलमेट भी मिला है, बूट भी मिला, सब चेन वाले मिले हुए हैं। तो चेन वाले का बेसिकली डैमेज थोड़ा कम होता है, और आपका जो मैंने आयरन वाला प्योर बनाया है उसका थोड़ा डैमेज ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है वो। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना चेस्ट यानी खजाना को फाइंड कर चुका हूँ, अब मुझे निकलना सोच रहा हूँ मैं निकलूँ अपने सीधा आइलैंड के ऊपर, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर और नहीं रुकना चाहूंगा। और आपको जो एक बात बता दूँ कि मेरे को एक और चेस्ट मिला है जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, उस चेस्ट से मुझे, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को मिले थे चार डायमंड एमराल्ड्स भी आपको मेरे बता दूँ मेरे को मिल चुके हैं, और आपको आयरन गोल्ड के इंगेट मिले थे, मतलब इतने सारी चीजें मिल चुका है मेरे को, एमराल्ड मिल चुका है गाइस। और हाँ गाइज एक बात बताइएगा, अगर आपको उसके बारे में पता तो जरूर बताइएगा कि मेरे को, जब मैं माइनिंग कर रहा था तो नीली कलर की एक चीज़ मिली थी, लपीज लुल्ली करके कुछ थी, लुल्ली की लजूली ऐसे कुछ थी,
ऐसी शायद तो कुछ थी लुल्ली उल्ली टाइप की। तो क्या है वो, उसका यूज़ क्या है मेरे को अगर आपको पता हो तो बताइएगा ज़रूर, वरना मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और क्या। लेकिन आप मेरे फैमिली हो, आप ही बताओगे ज़्यादा सही रहेगा, आप मेरे भाई बंधु। तो गाइज आज की इस वीडियो को मैं बस इतना ही करेंगे, और बता दूं कि आज मैं GTA की वीडियो इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम में बिजी था, प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहा था, इसलिए मैं उसको बना नहीं पाया GTA की वीडियो। लेकिन मेरे पास ये वीडियो पहले से पड़ी थी, सोचा बस इसी को एडिट करके डाल दूं। तो गाइस GTA की वीडियो कल आ जाएगी वापस से, तो तब तक दिल थाम के बैठिए जो जो GTA देखना चाहते हैं, वरना माइनक्राफ्ट तो अपना जिंदाबाद है ही है। तो गाइस इस वीडियो को एंड कर चुके हैं, देखो दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ एंड करते हैं। और हाँ, इस चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वरना जो करना है करना, बाकी तो आपको पता ही है ना, पता ही होगा। 200 के 200 के, ओ भाई साहब क्या सीन है अंडर वाटर का। गाइस अगर अंडर वाटर में घर बनाया जाए तो कैसा लगेगा। चलिए चलो यार, पिक्चर खत्म हो गई, बाय बाय।